चिल्ड्रन स्वागत है। अब तक हम पढ़ चुके हैं यूनिट सेवन्थ ए इक्विलिब्रियम फर्स्ट। एक वीडियो मैंने बना दिया था, जैसे सपोज करिए यहाँ पर N2O4 है, कलरलेस है, आइस में रखी हुई, तो इक्विलिब्रियम कैसे करेक्ट हो जाती, मतलब बन जाती है। और इसमें हमने देखा था फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिर हमने ये देखा था कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और इस टाइप से हमने वेपर फेस की इक्विलिब्रियम देखी थी, और ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझाया है। फिर हमने प्रेसिपिटेशन देखा था, और फिर हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी लिक्विड के ऊपर कितनी गैस डिजॉल्व हो सकती है, और ये आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये आपका रिएक्टेंट ख़त्म हो जाता है, कंसनट्रेशन रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन बनता है, तो ये रिएक्शन हो रही है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट बन गई मान लीजिए ना, ठीक है। तो अब हम ये केस देखते हैं, फिर हमने ये केस देखा है, और फाइनली आ जाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पर। तो चिल्ड्रन हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। अभी हम बुक से आपको समझा रहे थे प्रीवियस में क्या पढ़ाया था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब ये होता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपका होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब बाकी की और चीज़ें इसे डॉट कर दिया, मैं रिएक्शन बता दूंगा, केमिकल रिएक्शन और डेफिनेशन। तो ये ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, इनसे हमने बनाया क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। जब हम इस ए और बी का अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ना मास एक्शन देखेंगे, तो जो आपका इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो होगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट एंड बी रिएक्टेंट, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो होगा आर इक्वल के ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है किसी पदार्थ को के सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसमें मोल्स लेते हैं। मान लीजिए दूसरी रिएक्शन हमने ले ली स्मॉल ए, उसका कॉपिशेंट है कैपिटल ए का, स्मॉल बी कैपिटल बी का कॉपिशेंट है, इससे हमने बनाया स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल डी। जब हम इसकी रेट लिखेंगे तो होगी रेट के, है ना, रेट इक्वल के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए एंड बी टू द पावर स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगी आपको। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस केमिकल रिएक्शन की लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं। तो ए प्लस बी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका होगा के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगी के मोलर कंसंट्रेशन सी एंड मोलर कंसंट्रेशन डी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एट इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी, ये क्लोज सिस्टम में होती है, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि के एफ मोलर कंसंट्रेशन ए मोलर कंसंट्रेशन बी, के बी मोलर कंसंट्रेशन सी मोलर कंसंट्रेशन डी इक्वल होगा। अगर हमने के एफ अपॉन के बी कर दिया, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन कर दी, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। वेयर अगर हम के की बात करें तो के इज आर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। चलिए अब हम बात करते हैं के सी की, मतलब के बी के एफ और के बी का जो मेन आपका डिनोटेशन है वो जाएगा के सी, ठीक है। फॉर जनरल रिएक्शन जैसा कि अभी आपने ऊपर देखी थी, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी, तो उसके लिए के सी हो जाएगा कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी अपॉन कैपिटल ए की पावर स्मॉल ए कैपिटल बी की पावर स्मॉल बी। इतनी बात समझ में आई। तो कंसंट्रेशन रेशियो ऑल्सो कॉल्ड अ कंसंट्रेशन क्वेश्चन, तो ये आपका निकल के आया कंसंट्रेशन क्वेश्चन।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन अ गैसियस सिस्टम अगर हम देखें तो ये इक्वल हो जाएगा आपका क्यूपी इक्वल केपी, क्यूपी इक्वल केपी। तो हमने फॉर्मूला तो बताई दिया है, अब हम सेगमेंट में से फुल आपको समझा देते हैं। देख लीजिए आप फुल, ये आपका इस तरीके से है पूरा, एक देख लीजिए, एक पेज मान, फिर दूसरा पेज मान लीजिए, तीसरा पेज। वीडियो आपका यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।